स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 10.2 इसका पार्ट 4 कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इसकी फार्मूला लिस्ट थी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, साइन अल्फा इज इक्वल 4 और 5, साइन बीटा इज इक्वल 12 और 13, वेयर अल्फा लेस देन पाई, पाई मीन 180, और ग्रेटर देन पाई बाय 2, पाई बाय 2 मीन 90। अल्फा जो है वो 180 से लेस है और 90 से ग्रेटर है, तो ये क्वाड्रेंट अल्फा किस क्वाड्रेंट में होगा? अल्फा वुड बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। और बीटा भी सेम है, तो बीटा भी किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब हमने इसी क्वाड्रेंट के हिसाब से इनकी वैल्यूज चेक करनी है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 और 5 ये हमने पिछले पार्ट में भी किया था कि फार्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 4 और 5, तो 4 और 5 का स्क्वायर होगा, तो 4 और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 16 ओवर 25। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 9 ओवर 25। हमने कॉस अल्फा फाइंड करना है तो स्क्वायर रूल लेंगे बोथ साइड, कॉस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 3 ओवर 5। अब अल्फा किस क्वाड्रेंट में है? अल्फा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इसलिए हम ये नेगेटिव लेंगे। इसी तरह दूसरा है साइन बीटा इज इक्वल 12 और 13, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन बीटा क्या था? 12 और 13, तो 12 और 13 का स्क्वायर लेंगे 144 और 169। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 25 और 169, और स्क्वायर रूल लेंगे तो ये 5/13 आएगा। और यहाँ पे बीटा भी किस क्वाड्रेंट में है? बीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में अगेन कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो इसलिए हम ये नेगेटिव लेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो हम ये वैल्यू पॉजिटिव लेते, या फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो वैल्यू पॉजिटिव लेते। अब यही वैल्यूज यहाँ पे लिख दें, साइन अल्फा की वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू, कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी, और साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, साइन अल्फा 4 और 5, कॉस बीटा यहाँ वैल्यू दी है -5 और 13, और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू है -3 और 5, और साइन बीटा की वैल्यू है 12 ओवर 13। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 से तो -20 आएगा, 3 को 12 से तो ये 36 हो जाएगा, -20 -36 -56 और 65। और इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और फिर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, और ये वैल्यूज 4 वैल्यूज गिवन थी, वही वैल्यूज हमने पुट की, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, नीचे 65 आएगा, और 48, 15 -48 -33/65 हो जाएगा। और थर्ड पार्ट है इसका टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा तो ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की भी थी, ये साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -56/65, वो वैल्यू पुट की है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो भी हमने फाइंड की हुई थी, वो हमने पुट की है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 65 65 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 56/33 आ जाएगा। और इसमें ये पूछा हुआ था कि टर्मिनल साइड ऑफ एंगल मेयर अल्फा प्लस बीटा ये किस क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो हमने ये देखना है कि अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पे देखें नेगेटिव आ रही है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये पूछा हुआ था अल्फा प्लस बीटा, तो हम अल्फा प्लस बीटा को ही देखेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ इस क्वाड्रेंट में ये नहीं होगा अल्फा प्लस बीटा, और साइन की वैल्यू यहाँ नेगेटिव हो रही है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी ये नहीं होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि फर्स्ट सेकंड में ये नहीं होगा। और फिर यहाँ पे देखें कॉस अल्फा प्लस बीटा ये नेगेटिव आ रहा है ये भी, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव, कॉस यहाँ पर पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, तो ये एक ही क्वाड्रेंट रह जाता है थर्ड। तो अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह हम इसके 3 पार्ट्स हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड कर लिया, तो साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो वो आप खुद कर सकते हैं, माइनस लगाएंगे यहाँ माइनस आ जाएगा और फिर आंसर आ जाएगा। इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसी तरह टेन अल्फा प्लस बीटा, और फिर आपने इसी तरह बताना है कि अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाया करता है। क्वेश्चन नंबर 10 जी, इसका फर्स्ट पार्ट, हमने साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और गिवन है टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4, कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13, एंड नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल हाफ मेजर अल्फा नॉर बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब हमने पहले ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होंगे। अब यहाँ पे देखें टेन की वैल्यू क्या है, टेन की वैल्यू यहाँ पर है पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, टेन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में। तो अब ये फर्स्ट में तो अल्फा का है कि नहीं है, तो इसका मतलब है कि अल्फा किस क्वाड्रेंट में होगा, अल्फा होगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें क्वाड्रेंट का अल्फा का पता चल गया। इसी तरह यहाँ से देखेंगे बीटा, कॉस बीटा ये भी पॉजिटिव गिवन है, तो कॉस बीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, कॉस बीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में। तो यहाँ हमें गिवन है कि बीटा फर्स्ट में नहीं है, तो फिर ये किस क्वाड्रेंट में होगा, बीटा ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू होता है 3/5, और टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये इसका फार्मूला है। तो परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस 4, तो परपेंडिकुलर हमने ये 3 लिया है और बेस 4। अब हमने ये हाइपोटेन्यूज इसका फाइंड करना है, तो ये फार्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, तो 9 + 16 = 25, 25 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। और साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा इक्वल टू होगा, साइन अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें 3 है और हाइपोटेन्यूज है 5, तो 3/5। अब हमने देखना है कि इसमें साइन कौन सा लगेगा, साइन इसमें लगेगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगेगा, क्योंकि ये अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन इज नेगेटिव, इसलिए ये हमने नेगेटिव वैल्यू ली। और कॉस इसके इक्वल होता है, कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, तो इसकी बेस क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो 4/5। यहाँ भी साइन हमने कौन सा लगाया, नेगेटिव। वजह वही है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन कॉस दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। इसी तरह हम लेंगे कॉस बीटा 5/13, और कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज आ गया। और अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो फार्मूला वही, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट की तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12/13। और साइन किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे फिर हमने देखना है कि हमने वैल्यू कौन सी लगानी है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो नेगेटिव लगी क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट बीटा किस क्वाड्रेंट में था, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो इस तरह ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 4, और फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, वही 4 वैल्यूज हम पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और कॉस अल्फा प्लस बीटा इसका फार्मूला लगाया और वैल्यूज पुट की और ये सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10, इसका ये अल्टरनेट दूसरा मेथड है, ये ट्रायंगल के बगैर भी हम कर सकते हैं। ये 1 + tan² α इक्वल टू क्या होता है, sec² α, और tan अल्फा की ये वैल्यू पुट कर दी, tan अल्फा क्या था 3/4, हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम ये secant अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और क्वाड्रेंट इसमें कौन सा था, वही थर्ड, थर्ड में secant की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कॉज की, तो ये कॉज की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर कॉज की वैल्यू हमें गिवन थी, कॉज बीटा की वैल्यू गिवन है, यहाँ से हम साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला वही है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 5/13, और इसका स्क्वायर लेंगे और साइन बीटा की ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पर साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू हमने पिछली स्लाइड में फाइंड की थी, तो यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यूज हमने पहले फाइंड की हुई थी, फिर वही फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसको हम दोनों तरीकों से, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट, इसको भी दोनों मेथड से किया जा सकता है,
मैंने ये फॉर्मूले से किया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सिकेंड स्क्वायर अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू पुट कर दी और ये 25 225 और 64 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगी सिकेंड अल्फा की वैल्यू। और क्वाड्रेंट यहाँ पे हमने चेक करना है, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि अल्फा बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। तो यहाँ पर टैन की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है, टैन की वैल्यू दी हुई है नेगेटिव। और टैन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, टैन नेगेटिव होता है, टैन यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी ऑल पॉजिटिव होता है, तो टैन नेगेटिव होता है सेकेंड में और फोर्थ में। अब यहाँ पे देखें फोर्थ में नहीं है तो इसका मतलब है अल्फा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह हमने देखना है बीटा, अब बीटा साइन बीटा यहाँ नेगेटिव है और आपने देखना है कि साइन बीटा, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन जो है फर्स्ट में पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन सेकेंड में भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है इसमें और इसमें। अब यहाँ पे फोर्थ में नहीं है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में, तो ये हमें क्वाड्रेंट का पता चल गया। और कॉस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए ये वैल्यू हमने नेगेटिव ली। और फिर ये फोर वैल्यूज हमने, ये थ्री वैल्यूज फाइंड की हुई थी और साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, साइन अल्फा वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगी साइन अल्फा की वैल्यू। और साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। और बुक में ये आंसर इसका गलत दिया हुआ है, बरअल इसका आंसर यही है। और कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और बुक में इसका आंसर भी सही नहीं है, इसका आंसर भी गलत दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस 8 माइनस साइन 8 और कॉस 8 प्लस साइन 8 इक्वल टू होता है टेन 37। तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, टेन 37, टेन 37 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 8, ये आपको याद रखना पड़ेगा, टेन 45 माइनस 8 37 के इक्वल होता है। टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, ये इक्वल होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा और 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा और 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो tan 45 इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से चेक करेंगे वो क्या होती है 1, और tan 8 इस tan 8 को हम लिख सकते हैं sin 8 ओवर cos 8, इसी तरह नीचे tan 45 की वैल्यू 1 और tan 8 इक्वल टू sin 8 ओवर cos 8, इसका LCM लेंगे cos 8 ऊपर cos 8 माइनस sin 8 आ जाएगा और नीचे cos 8 प्लस sin 8 आ जाएगा, cos 8 से cos 8 कैंसिल हो जाएगा तो cos 8 माइनस sin 8 ओवर cos 8 प्लस sin 8। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, थैंक यू जी।